हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज हम एक धमाकेदार चैप्टर करने वाले हैं। पहले मैं उसका आप नाम रिवील नहीं करूँगा और आपको ये बता दूँ कि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं सर ये मुझे याद नहीं होता। सर याद तो करता हूँ, याद हो जाता है लेकिन फिर भूल जाता हूँ, है ना। तो हम एक ऐसे तरीके से ही चैप्टर को निपटाने वाले हैं कि आपको एक लंबे टाइम तक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। और देखो, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन वो आसान हो जाएगा क्योंकि पूरा चैप्टर हम ट्रिक से करने वाले हैं, है ना। जैसे इस चैप्टर में जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं, सबको ट्रिक से निपटाने वाले हैं। आप कुछ लोग बोल रहे होंगे सर चैप्टर का नाम तो बताया ही नहीं, और आपने पूरा चैप्टर के बारे में बता दिया। तो आइए नाम भी जान लेते हैं। तो हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो कुछ लोग बोले अरे सर ये तो याद करता हूँ भूल जाता हूँ, आप कैसे याद कराओगे। हर एक एग्जांपल और टाइप्स को हम ट्रिक से करेंगे जिससे हमें एक लंबे टाइम तक अंडरस्टैंडिंग में रहे हो, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपके आइंस्टीन वाले दिमाग में इस चैप्टर को भरते हैं। सर आइंस्टीन का दिमाग, हाँ उसके लिए आपके पास गूगल और यूट्यूब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है सबसे पहले, है ना। चैप्टर का नाम तो जाने पहले कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। समझ में आया क्या है मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉर्फो का मतलब, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर का स्टडी करना। क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक प्लांट लो आप अपने सामने और उसको ऑब्जर्व करो, उसको ऑब्जर्व करके देख के आप क्या क्या बता सकते हो उसी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक प्लांट को देख के क्या क्या बता सकते हो। पहला नंबर सर इसमें तो रूट्स होती है, ठीक है इसको भी लिख लेते हैं। दूसरा सर इसके पास स्टेम भी होता है, अच्छा स्टेम भी लिख लेते हैं। फिर और क्या होता है इसमें, सर इसमें तो लीव्स भी होती हैं, ठीक है। और बताओ सर इसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्लावर हो गए, फ्रूट्स हो गए, और क्या होता है सीड भी होता है ना। तो एक प्लांट को देख के आप ये सारी चीजें बता सकते हो। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम रूट से। तो आइए जानते हैं कि रूट की और स्ट्रक्चर क्या है। देखो हर एक पार्ट के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो इसका फंक्शन क्या है, और क्या पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या है, एंड मॉडिफिकेशन कौन कौन सा है, और एग्जाम्पल्स क्या क्या है। सर यही तो याद नहीं होते, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके सबके बारे में इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रूट के साथ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं और मैं इसको मिटाने चल रहा हूं। 1 2 3 तो आइए स्टार्ट करते हैं रूट से। देखो रूट की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ क्या होती है इसकी, इसको दो टाइप से देखते हैं सर कैसे। पहला बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक,
सर जियो टॉपिक समझ में नहीं आया, ये कौन सी बला है? देखो जियो का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी, ठीक है। तो जियो टॉपिक से इसका मतलब टूवर्ड्स द ग्रेविटी है। क्या है? टूवर्ड्स द ग्रेविटी। और ग्रेविटी से आप समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है। ग्रेविटी कहाँ होती है? अर्थ की ओर होती है ना, तो इसका मतलब है टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। और कैसे बोल सकते हैं सर? और इसको बोला जा सकता है निगेटिवली फोटोटॉपिक। ठीक है। देखो स्पेलिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप स्पेलिंग अंग्रेजी वाले टीचर से सीख लीजिएगा, मैं बायो सिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो निगेटिवली का मतलब क्या है? देखो फोटो का मतलब क्या है? लाइट है ना। तो जो हमारी रूट होती है उसकी ग्रोथ कहाँ होती है? नीचे की ओर। और लाइट कहाँ है सर? अर्थ से ऊपर है लाइट। लाइट अर्थ से ऊपर है ना, रूट कहाँ जाती है? नीचे की ओर। तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? हाँ, तो इसलिए बोला जाता है ऑपोजिट टू लाइट। ठीक है। इसलिए निगेटिवली फोटोट्रॉपिक लगा है, यानी कि ऑपोजिट टू लाइट। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी या टुवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ तक बात आई थिंक क्लियर होगी। तो अब हम रूट के स्ट्रक्चर को जानने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा ही है, उसे तो आपको याद करना पड़ेगा, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम ठीक से करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, रूट को देखते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आपने इसको नोट किया तो मैं इसको मिटा दूँ। 1 2 3। देखिए जो रूट है हमारी वो बनती कैसे है, चलिए वहां पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक सीड होता है ना। सीड में आप अगर कोई डाइकॉट प्लांट का सीड देखते हो, जैसे चने का सीड देखते हो, आपको ऐसे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। दोनों को अलग करते हो आप ना, दो पार्ट कर देते हो उसके। तो वो क्या है, इनको बोलते हैं हम कॉटिलेडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन। ठीक है। ये दोनों क्या है? कॉटिलेडन। और इसके बीच में एक एक्सेस होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉटिलेडरी एक्सेस। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडरी एक्सेस। इसके ऊपर का एक पोर्शन होता है और एक नीचे का होता है ऐसा। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को फ्लोमिगल बोला जाता है और नीचे वाले को रेडिकल बोला जाता है। सर फ्लोमिगल क्या है ये बताइए सर। तो फ्लोमिगल जो है हमारा, ये बनाने वाला है फ्यूचर रूट, सॉरी सूट सिस्टम। ठीक है। प्लम्यून से क्या बनने वाला है? फ्यूचर सूट सिस्टम बनने वाला है। सूट का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेम है ना। ये आगे जाके क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, जिसमें लीव्स आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे। तो ये प्लम्यून हो गया। नीचे क्या है? ये रेडिकल। रेडिकल क्या बनाने वाला है? फ्यूचर रूट सिस्टम। तो रेडिकल से क्या बनने वाली है? फ्यूचर में रूट बनने वाली है। ठीक। तो हम जो भी पढ़ने वाले हैं रूट के बारे में, वो कहाँ से बनती है? रेडिकल से बनती है।
और एक बात होती है इसमें, ये जो कॉटलीडन होता है और जो प्लम्यूल है इसके बीच का जो पार्ट होता है इसको एपिकोटाइल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? पार्ट बिटवीन प्लम्यूल एंड कॉटलीडनरी नोड। ठीक है, तो ये एपिकोटाइल क्या होता है? ये जो कॉटलीडन है इसको कॉटलीडनरी नोड्स भी बोलते हैं। तो कॉटलीडनरी नोड्स और प्लम्यूल के बीच का जो पार्ट होता है इसको एपिकोटाइल बोला जाता है। इसी तरह जो रेडिकल और कॉटलीडनरी नोड्स के बीच का पार्ट है इसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। ठीक, तो ये क्या होता है? पार्ट बिटवीन रेडिकल एंड कॉटलीडनरी नोड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सीट का स्ट्रक्चर, और यहाँ से बनने वाले हमारी रूट्स जिसकी हमारी स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं और हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं और रूट की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो 1 2 3, थोड़ी सी रूट की स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं ना। तो ये रूट कुछ ऐसे करके होती है और इसमें तीन जोन हम देखते हैं। कौन कौन से तीन जोन प्रेजेंट होते हैं? ये ऊपर का जोन जो है इसको बोलते हैं हम लोग मैचुरेशन जोन। क्या? मैचुरेशन जोन। इसके बाद ये जो नीचे का थोड़ा लंबा सा जोन है इसको इलोंगेशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन जोन। और लास्ट का जो है इसको बोलते हैं मेरिस्टमेटिक जोन। तो रूट को हम तीन जोन में बांटते हैं। आप अगर रूट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो उसमें कुछ हेयर हेयर सी स्ट्रक्चर दिखती है ना, तो ये किस जोन में होती है? मैचुरेशन जोन में होती है। मैचुरेशन जोन में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है? रूट हेयर है। क्या है ये? रूट हेयर। और ये जो मेरिस्टमेटिक जोन है इसके लास्ट में एक कैप होती है। ये कैप क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हर एक जोन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा मैचुरेशन जोन है इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी क्या खासियत होती है? जो मैचुरेशन जोन को बनाने वाली सेल होती हैं वो डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं। सर, डिफरेंशिएटेड का मतलब ये स्पेशलाइज्ड हो चुकी होती हैं और डू नॉट डिवाइड या डिवाइड नहीं करती है ना। ये एक स्पेशल फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी होती हैं और डिवाइड नहीं करती हैं। इसके बाद आता है इलोंगेशन जोन। ठीक, इसको मैं थोड़ा ऐसे अलग कर देता हूँ। तो इलोंगेशन जोन को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो वैक्यूलेटेड होती हैं। वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं। वैक्यूलेटेड का मतलब क्या? इनमें लार्ज साइज के वैक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलोंगेशन जोन। और इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो
स्पेशलाइज होती है यानी कैन नॉट डिवाइड डिवाइड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट जोन बचता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टमेटिक जोन, इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। क्यों ऐसा होता है, इसमें लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है ना, तो लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो इस पूरे जोन में केवल ये सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड फेयर करती हैं, बाकी ये स्पेशलाइज होती हैं, ठीक है। तो आइए जो रूट कैक है ये क्या काम करता है इसको देखते हैं। जो रूट कैक होता है ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है, कौन से टिश्यू से, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। करता क्या है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, है ना। और इस ये खासियत होती है कि ये जो रूट कैक होता है इसके जो सेल्स होते हैं इनमें एक खासियत होती है कि रीजनरेशन की पावर होती है, रीजनरेशन मतलब इसको बार बार खुद को, जैसे कि इसमें कोई कट लग जाता है यानी कि टूट जाता है तो ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, तो इनमें क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है, ठीक। तो ये हो गई हमारी पूरी रूट्स की स्ट्रक्चर। और एक बात यहाँ पे, जो वाटर वाले प्लांट्स होते हैं, वाटर प्लांट्स में वाटर प्लांट्स में रूट कैक नहीं प्रेजेंट होती है और उसकी जगह पे वाटर प्लांट्स में रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूट पॉकेट्स। सर ये क्या करते हैं, इनका काम होता है बॉयंसी क्रिएट करना, ये बॉयंसी क्रिएट करते हैं। बॉयंसी की वजह से ये जो हमारे वाटर प्लांट्स होते हैं वो वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं पानी पे तैरते रहते हैं, आपने देखा होगा ना, कौन से हैं एग्जांपल बताओ, जैसे कि क्या, इस्टिया, नाम तो सुना होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, वाटर लिली। और जैसे कि सेकेंड एग्जांपल हम बोल सकते हैं इकॉर्निया, इसको क्या बोला जाता है, वाटर हाइसेंट। देख लेना भाई स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो स्पेलिंग के लिए परेशान मत होना, आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए, स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो पिस्टिया हो गया जिसको वाटर लिली बोलते हैं, कॉर्निया वाटर हाइसेंट। एक और नाम है इसका, आपने पढ़ा होगा नहीं तो आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। इसकी कहानी जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए कौन से, वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स के, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रूट की स्ट्रक्चर हो गई, इसके बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अब हम जो भी करेंगे पूरी चीजें ट्रिक से करने वाले हैं और आपको याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस यही सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं और अब इसको मिटा के आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3
तो आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट को, कि फंक्शन क्या है रूट के, फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। तो मेन फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन। ये चल नहीं रहा है इससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये क्या है इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा भी इसके फंक्शन होते हैं, जैसे कि स्टोरेज, जैसे कि सपोर्ट और जैसे कि रेस्पिरेशन। अब कुछ लोग कहेंगे सर रूट भी रेस्पिरेशन कर सकती है। हाँ बेटा कर सकती है, तो जानेंगे कहाँ करेंगी आगे चल के। तो ये सारे हैं रूट के फंक्शन। इनमें से जो ये तीन हैं ये सेकेंडरी फंक्शन हैं और ये क्या है प्राइमरी फंक्शन है। तो ये रूट के फंक्शन हो गए, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसको मिटा के हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रूट को और उसको देखते हैं। 1, 2, 3 तो यहां से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है, ट्रिकी पार्ट, टाइप्स ऑफ रूट। जब भी आपसे कोई टाइप ऑफ रूट बोले तो आपको एक दिमाग में ऑब्जर्व करना है एक मोटी सी रूट। क्या ऑब्जर्व करना है, मोटी सी रूट। क्या ऑब्जर्व करना है, फैट रूट। क्या क्या ऑब्जर्व करना है, फैट रूट। हो जाएगा, कर लोगे ना। तो एफ से क्या है, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ए से होता है एडवांटेज, एडवांटेज रूट। और टी से क्या है, टैट रूट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रूट क्या है, फैट रूट, एफ से फाइब्रस रूट, ए से एडवांटेज रूट, टी से टैप रूट। तो फैट रूट, सॉरी फाइब्रस रूट क्या है इसको देखते हैं। तो फाइब्रस रूट में, जब फाइब्रस रूट की बात आए तो आपने सुना होगा एक रेडियो, घर में एफएम रेडियो सुना है ना। अरे अभी के जमाने के इतने भी एडवांस नहीं हो गए होंगे एफएम के बारे में ना सुना हो, सबने सुना होगा एफएम। तो फाइब्रस रूट को पढ़ते समय हमें क्या याद करना है, एफएम रेडियो। क्या याद करना है, एफएम रेडियो। एफ से क्या है, फाइब्रस। एम से क्या है, मोनोपोड, ठीक है। यानी कि फाइब्रस रूट कहाँ पाई जाती हैं, मोनोपोड्स में पाई जाती हैं। एक अगर आप याद कर लोगे तो यानी टैप रूट कहाँ मिलती हैं, डाइकोड में, ठीक। एक आपको याद करना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टैप रूट कहाँ पाई जाती हैं, डाइकॉट प्लांट में मिलती हैं। और ये फाइब्रस रूट्स हैं, मोनोकॉट्स में मिलती हैं। इनमें क्या होता है कि जो हमारा रेडिकल होता है जिसे हमने पहले पढ़ा था, वो डीजनरेट हो जाता है और ब्रांचेस बना लेता है, एक नेटवर्क बना लेता है। इसमें क्या होता है, रेडिकल डीजनरेट फॉर्म नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि मोनोकॉट्स आप देख सकते हो, जैसे बहुत सारे मोनोकॉट्स प्लांट्स हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं एडवांस रूट के बारे में, थोड़ी सी स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा देख के, ठीक है। ताकि मैं एडवांस रूट क्या है, रूट क्या है इसको समझा देता हूँ। तो देखो, अगर रूट
रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी अदर पार्ट से जनरेट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवांटियस रूट बोलते हैं। व्हेन रूट अराइजेस अदर देन रेडिकल, जब रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से जनरेट होगी तो उसको कौन सी रूट बोलेंगे, एडवांटियस रूट बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल है अपना जैसे कि बनियान, बनियान ट्री को सबने देखा है ना, अरे बरगद का पेड़ आप देखते हो ना, उसमें ब्रांचेस से रूट जनरेट होती हैं और नीचे आती हैं और एक नया पेड़ बन जाता है। तो जहाँ भी बरगद का पेड़ होता है आपको छोटे छोटे ढेर सारी ब्रांचेस या रूट्स बोल सकते हो उनको देखने को मिलती हैं। तो ये वही होती हैं, वो क्या होती हैं, एडवांटेजियस रूट होती हैं। टैप रूट कहाँ मिलती हैं, डाइकॉट्स प्लांट में मिलती हैं। ठीक, तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ रूट। तो अब हम चलते हैं थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइब्रस रूट, एडवांटेजियस रूट और टैप रूट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम टैप रूट से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए मैं बोर्ड को एक बार क्लियर करूँगा, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। 1 2 3 तो अब हम करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो हमारी हेडिंग क्या होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। हम पढ़ने वाले हैं टैप रूट का मॉडिफिकेशन। जो टैप रूट होती है इसके मेनली दो काम होते हैं, पहला बोल सकते हैं हम स्टोरेज, और इसके अलावा क्या होता है, रेस्पिरेशन। ठीक, तो स्टोरेज में क्या है, स्टोरेज में भी ट्रिक से याद करने वाले हैं कि स्टोरेज में जो एग्जांपल्स हैं सबको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखो आजकल क्या होता है, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनका काम क्या होता है, सबको बताओगे क्या होता है काम उनका, उनका काम होता है आग लगाना, है ना। सबके पास होते हैं यार ऐसे पड़ोसी, वो नेचुरली उनको गॉड ने पावर दी है कि बेटा आपको यही काम करना है जाके, तो उनका आग लगाने का ही काम होता है। तो पड़ोसी क्या करते हैं, आग लगाते हैं, तो आप उनको रिप्लाई दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि फूको ना रे, क्या बोल रहे हो आप, फूको ना, आप उनको बोल रहे हो फूको ना रे, आग ना लगाओ। तो ये इससे क्या होगा, फू से क्या होगा, फ्यूजी फॉर्म, को से क्या है, कॉनिकल, और एन से है अपना नेपी फॉर्म। ठीक है, याद हो जाएगा ना, इतनी बढ़िया ठीक है यार, और क्या क्या लोग यार, फ्यूजी फॉर्म में अपना आता है जैसे कि कैप रेडिश, कॉनिकल का एग्जांपल है कैरेट, और नेपी फॉर्म में टर्निप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टोरेज का काम, किसका, टैप रूट का। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे, तो इसका एग्जांपल है राइजोपोरा, फेमस एग्जांपल है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता, स्टार लगा देते हैं आप राइजोपोरा। ये पाए जाते हैं मैंग्रोव्स वन में, कहाँ मिलते हैं, मैंग्रोव्स में, जब मैंग्रोव वन जो होते हैं दलदली एरिया जिनको बोलते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। कैसे एरियाज होते हैं, स्वैम्पी एरियाज। वहाँ पे क्या होता है कि उस दलदल से रूट्स बाहर निकलते हैं
जिनको निमेटोपोर्स बोलते हैं, इनको देखेंगे अभी। ये रूट्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन मॉइस्चर को प्लांट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये एक प्लांट हम बना लेते हैं कुछ ऑब्जर्व करने के लिए, तो ये एक प्लांट हो गया सपोज हैं कि पूरा जंगल है ना, ऐसे ही बनाते हैं कि सपोज हैं जंगल है ना, ये एक प्लांट है। तो यहाँ से ऐसे निकली हुई होती है ये रूट्स, और इन्हीं को बोला जाता है निमेटोपोर्स। निमेटोपोर्स तो इनका काम क्या होता है, प्लांट को ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसका फंक्शन लिख देता हूँ कहीं के ऊपर, यहाँ पे लिख दूँ चलेगा का फंक्शन क्या होता है, ये अराइजेस वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड टू गिव ओ टू, इसको प्लांट को टू प्लांट है ना। तो ये याद रखना, ये स्टार, ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये राइजोपोर एग्जांपल और निमेटोपोर, और इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना प्लांट्स को। तो ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ टैग रूट खत्म। अब इसके बाद हम एक और करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेज रूट, और जिसके बाद हमारा रूट का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको आप लिख लो, मैं इसको मिटाने चल रहा हूँ, और इसके बाद हम मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेज रूट पे चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेज रूट। तो हेडिंग डालते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एडवांटेजियस रूट, ठीक है। तो टैग रूट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके मॉडिफिकेशन को पढ़ चुके हैं, आप आ रही है एडवांसेस रूट की। तो एडवांसेस रूट का जो काम होता है, ये स्टोरेज का भी काम करते हैं, स्टोरेज का भी काम करते हैं, ये सपोर्ट का भी काम करते हैं, और कुछ स्पेशल टाइप भी हैं, स्पेशल टाइप्स। तो स्टोरेज में एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, क्या है, स्वीट पोटैटो। सपोर्ट में जैसे कि प्रॉप रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट्स इनको हम पहले से पढ़ चुके हैं, अरे याद है ना, बनियान भी याद है। उसमें क्या होता है, ब्रांचेस से जो स्टेम की होते हैं, स्टेम होता है उससे ब्रांचेस अराइजेस होते हैं और वो नीचे अर्थ को की ओर जाते हैं। तो ये कौन सी रूट्स होती हैं, एडवांसेस रूट में प्रॉप रूट्स होती हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम स्टेम, और इसका एग्जांपल क्या है अपना, बनियान ट्री, ठीक। तो ये वही प्रॉप रूट्स। इसके अलावा होती है हमारी स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक प्लांट है, इसमें ये सारी नोड्स हैं, तो ये लोअर नोड से अराइजेस होती हैं स्टिल्ट रूट। जैसे कि हमारा बनाना ट्री आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, ब्रांचेस
arises from lower node, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बनाना ट्री, क्या बनाना ट्री। और इसका एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइंब। ऐसा इतना सारा कैसे याद करेंगे, अरे याद हो जाएगा यार, एक दो बार आपको बस रिवाइज करना है इसको। अब साथ में नोट्स बनानी है, जब तक मैंने ये जो करा रहा हूँ इसकी नोट्स बनानी है, इसके बाद एक दो बार रिवाइज करना है, फिर आपको कुछ टाइम बाद हफ्ते 10 दिन में फिर से एक बार देख लेना है। और ऐसे अगर आप देखते रहोगे तो आपके माइंड माइंड में मैप सा बन जाएगा, ये जो हम बनाते हैं ना ये मैप आपके माइंड में बना देगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर क्वेश्चन करने में। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, इसमें जो रूट्स एराइजेस होती हैं स्टेम से, वो हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, रूट्स एराइजेस फ्रॉम स्टेम एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, है ना। तो इसके बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह ये क्लाइंबर्स का क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। और अब हम चलते हैं स्पेशल टाइप पे। इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं प्रॉप रूट्स में, कि जो ये लैंग्वेज मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप ब्रांचेस की जगह पे रूट कर लो। द रूट्स अराइजेस फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ स्टेम, कहाँ से अराइज होती हैं रूट्स, ब्रांचेस ऑफ स्टेम, है ना। जैसे बनियान ट्री में आप देखते हो ना कि जो इसका स्टेम होता है उसकी ब्रांचेस से रूट अराइज होती हैं और अर्थ पे जाती हैं। और ऐसे हमें देखने पे क्या लगता है कि एक बनियान ट्री से ढेर सारे बनियान ट्री बन गए हैं, लेकिन वो होती क्या है, वो रूट्स होती हैं। कौन सी रूट्स होती हैं, प्रॉप रूट्स होती हैं, और ये एक एडवांस ये शूट का टाइप है। तो इसी तरह इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांचेस की जगह पे आप रूट कर लो, रूट्स अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड्स। और इसका हम बनियान ट्री करेक्ट एग्जांपल नहीं दे सकते, क्योंकि बनियान ट्री को हम आगे स्टेम में भी पढ़ेंगे। आगे जब हम स्टेम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम बनियान ट्री को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो स्टिक रूट के बारे में आपको क्या जानना है, कि जो रूट्स होती हैं इसमें वो लोअर नोड्स से अराइज होती हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम स्पेशल टाइप पे। स्पेशल टाइप में हमें जो करना है, पहला है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। और इसमें हम पढ़ते हैं एपिफाइट्स को, क्या पढ़ते हैं एपिफाइट्स। जो एपिफाइट्स होते हैं इसमें ऑर्चिड आता है, जिसको हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, इकोलॉजी में इसको अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अभी के लिए हमें केवल ये जानना है कि ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स का एक एग्जांपल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूँ जानकारी के लिए, आपको याद नहीं रखना है कि इसमें जो हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं इसमें वेलमेंट टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि सराउंडिंग से ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। तो सेकेंड है हमारा पैरासिटिक रूट्स, पैरासिटिक रूट्स में पाए जाते हैं हॉस्ट्रॉस। ये क्या होते हैं सर, ये हॉस्ट्रॉस जो होते हैं, जैसे कि कोई पैरासाइट प्लांट है और किसी होस्ट प्लांट पे वो उगा है, तो ये हॉस्ट्रॉस के जरिए वो होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहता है। तो ये हॉस्ट्रॉस क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका कसकटा, नाम तो सुना होगा ना, अमर बेल बोलते हैं इसको, याद आया। तो ये क्या है, एक तरह का पैरासिटिक रूट है। तो इस तरह हमारा एडवांस रूट का भी मॉडिफिकेशन खत्म हुआ और हमारा रूट का पोर्शन भी खत्म हुआ।
तो अगले वीडियो में हम स्टेम के बारे में जानेंगे, जो कि एक और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसको हम और भी ज़्यादा ट्रिक्स और मज़ेदार आइडियाज़ की तरीके से करने वाले हैं। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ उस वीडियो के लिए, शायद आप भी होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जैसे रूट को निपटाया है इसी तरह स्टेम को भी निपटाते हैं धमाधार तरीके से। तब तक के लिए टिल आई टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।